चलो यार बच्चों स्टार्ट करें क्या हम लोग। यो हाय गुड इवनिंग। अच्छा आपने पहले ही सॉल्व कर लिया, वाह यार बड़े प्यारे बच्चे। आ जाओ यार बच्चों, 12th स्टैंडर्ड का हमारा सब्जेक्ट चल रहा है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हमारा चल रहा था बेटा। आ जाओ सब लोग फटाफट से। यो हाय गाइस, नमस्ते। ओके ऑल सेट, करें हम लोग स्टार्ट। हेलो हेलो, आ जाओ यार फटाफट से स्टार्ट करते। अच्छा लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया था, एक बार देखो तो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, यस 3 हो गया था ना। 3 तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सिंपल है सारी चीजें। ओके चलो आगे बढ़ते बेटा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलो यस हाय बेटा, हाय गुड इवनिंग, यस हाय रुचा, हाय नील, हाय टिकटॉक गेमर, है ना। चलो स्टार्ट करो। सो मुन्ना ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चल रहा है जिस साइड सीसीए सतीश मंत्री। आप सभी का इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। क्या दिया बेटा 4 में? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ द मिस्टर पीयूष एंड अरुण, है ना। आ जाओ, हाँ मिस्टर पीयूष एंड अरुण, इन लोगों की पार्टनरशिप फर्म थी। क्या बोला है? ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है एज ऑन 31 मार्च 19, बराबर है। सो ईयर कौन सा है? 1819 रहेगा, यस और नो। आ जाओ क्या क्या दिया है। ओपनिंग स्टॉक दे दिया है आप लोगों को, देखो 1 अप्रैल 14 मतलब ओपनिंग स्टॉक होगा। परचेज दे दिया, सैलरी दे दिया है। अच्छा परचेजेस सैलरी है, ओके। अच्छा नीचे सैलरी अलग से, एक काम करो इसको कट कर दो, वो सिर्फ परचेज है, यस और नो। प्रिंटिंग मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक के अंदर सैलरी वर्ड को कट कर देना परचेज के आगे, अगर आपके नोटबुक में है। आपके बुक में नहीं होगा शायद, है ना, अपडेटेड है यार ये बच्ची, तुम्हारे बुक में है। चलो एक हमारे पास ऐसी बच्ची है जिसके पास में अपडेटेड बुक है। सैलरी दे दिया, वेजेस दे दिया, कैरिज, रॉयल्टी, फ्रेट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, डेटर्स, ओके ये सारी चीजें दे दी बेटा। आ जाओ उसके बाद फर्नीचर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये सारे डेबिट बैलेंसेस है, और इधर में सारे क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दे दिए हैं। नीचे हम लोगों को क्या बोला है बेटा? एडजस्टमेंट दे दिया है कुछ, 1 2 3 4 5, 5 एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। और हम लोगों को पूरा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। चलो मैं स्टार्ट करूं। अच्छा अब यहां पे एक बार चेक कर लेना, हर बार क्वेश्चन में हिडन एडजस्टमेंट कोई है क्या, कैसे पहचानना है मैं बताता हूं, ध्यान दो। जैसे देखो अब यहां पे एडवर्टीजमेंट के आगे ब्रैकेट में लिखा है फॉर 3 ईयर्स, मतलब ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है ये 3 साल का है। हम लोगों को इस अकाउंटिंग पीरियड में इसी पीरियड का खर्चा चाहिए, पूरा 3 साल का हम लोग नहीं लेंगे, तो इसमें से जो 2 साल का खर्चा है वो हम लोग माइनस कर देंगे, वो फ्यूचर के 2 साल है ना, तो वो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, तो ये एक्सपेंस से माइनस हो जाएगा और कहां जाके दिखेगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में, एडवांस और प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, यस और नो। ये हिडन एडजस्टमेंट है, और कहीं है क्या? नो, और तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, पढ़ते पढ़ते अगर समझ में आया तो हम लोग देखेंगे बेटा, ठीक है, सॉल्व करते करते। उसके बाद कौन कौन सी चीजों पर एडजस्टमेंट है? स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दे दिया। बोलो बेटा कौन सा लेंगे? विच एवर इज लोअर, याद आ रहा है ना सभी को? आ जाओ थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते बेटा। सो विच एवर इज लोअर, यानी 35,000 कंसिडर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 है, इज स्टिल रिसीवेबल। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना है बेटा बोलो? फिक्स डिपॉजिट 1200 स्टिल रिसीवेबल। क्या एंट्री रहेगी इसकी? अगर जर्नल एंट्री करते थे तो क्या होती थी? इंटरेस्ट रिसीवेबल है, आया रहता,
अगर आ गया रहता तो मैं बोलता कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, लेकिन आना बाकी है तो इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, आया होता तो कैश अकाउंट डेबिट, आना बाकी उसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल, है ना। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल ये असेट बढ़ गई मेरी, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और दोनों केस में आया रहता तो भी कैश टू इंटरेस्ट और आना बाकी है तो भी इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, तो दोनों केस में इनकम मेरा बढ़ ही रहा है ना। इंटरेस्ट ड्यू हो गया, मैंने कमा लिया बट अभी तक मिला नहीं, कमा लिया बट मिला नहीं, कमाई हो गई, इंटरेस्ट नाम की इनकम बढ़ गई, राइट। इंटरेस्ट नाम की इनकम बढ़ गई, यस और नो। सो हमने क्या किया, इनकम को यानी इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, इनकम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ती है तो क्रेडिट करो, यस और नो। सो उसका एंट्री क्या रहेगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब एंट्री तो कर नहीं सकते ना पीछे जाके, तो टू इंटरेस्ट जो है वो इनकम वो जाएगा पीएनएल के क्रेडिट में और इंटरेस्ट रिसीवेबल जाएगा बैलेंस शीट के असेट में, हो गए दो इफेक्ट। सो फाइनली इसके दो इफेक्ट, बैलेंस शीट के असेट में इंटरेस्ट रिसीवेबल और पीएनएल के क्रेडिट में इंटरेस्ट। किसी को कोई चीज में दिक्कत है, पक्की बात। सो ढूंढो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कह दिया है क्या, हाँ ये एडजस्टमेंट है। उसके बाद प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन द डेटर्स, डेटर्स पे आरडीडी क्रिएट करना है, डेटर्स 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 डेटर्स। देखो तो कहाँ गए बेटा हमारे डेटर्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी के नीचू, चलो आगे। संड्री यानी मिसलेनियस, क्लियर। उसके बाद डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है। गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000, दो एडजस्टमेंट है इसमें, एक तो माल चला गया, परचेस से कम करना पड़ेगा, परचेस से कम करना है तो ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस से माइनस करो या फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दो, या तो डेबिट से माइनस करो या तो क्रेडिट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परचेस में से हम लोग कम कर देंगे या ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख देंगे, कहाँ गया परचेस। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है, अभी तक मिला नहीं है, एडमिट कर लिया मतलब लेना बाकी। सो क्लेम रिसीवेबल, एनी रिसीवेबल इज योर असेट, रिसीवेबल मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेटर बन गई, डेटर कहां दिखती है बैलेंस शीट के असेट साइड में। सो रिसीवेबल इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, तो क्लेम रिसीवेबल नाम से हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में एक आइटम दिखा देंगे। सो एक इफेक्ट कहां जाएगा, एक तो बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लेम रिसीवेबल, और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, दिमाग लगाओ, चलो चेक करते कितने बच्चों को यहां पे आ रहा है। 8,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला 6,000 मैं तुमको दे दूंगी, तो बोलो एक इफेक्ट कहां जाएगा, 2,000 का लॉस जाएगा पीएनएल में, ठीक है। मैं बात सिर्फ 6,000 की कर रहा हूँ, 6,000 के दो इफेक्ट बताओ कहां जाएंगे। एक तो लॉस कम हो गया अपना, पहले हम जो चूड़िया तोड़ रहे थे छाती पीट के रो रहे थे, 8,000 का लॉस हो गया, 8,000 का लॉस हो गया। इंश्योरेंस कंपनी आई बोली जा बच्चा तुझे 6,000 मैं दे दूंगी, तो मेरा लॉस बढ़ा या कम हुआ, लॉस कम, लॉस बढ़ता है तो पीएनएल के डेबिट में, लॉस कम हुआ तो पीएनएल के क्रेडिट में। सो 6,000 का इफेक्ट जाएगा पीएनएल के क्रेडिट में। सो ये देखो ये बैलेंस शीट, ये पी एंड एल, बरोबर है क्या, यस और नो। ए बाबा ध्यान दे, और बैलेंस शीट के असेट में क्लेम रिसीवेबल, क्लेम रिसीवेबल रिसीवेबल, और ये इंश्योरेंस क्लेम, लॉस कम हो गया ना, तो ये 6,000 के दो इफेक्ट, और ये हो गया 6,000 का। अब 8,000 के दो इफेक्ट बताओ, लॉस हो गया, गुड्स गया है गुड्स, तो एक इफेक्ट कहां जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, या तो डेबिट में परचेस से माइनस करो या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाओ, तो ये लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स 8,000 का, और ये 8,000 का जो लॉस है ये कौन सा लॉस है, ऑपरेटिंग लॉस है, इसीलिए हमने ट्रेडिंग से निकाल लिया और कहां डालेंगे पीएनएल के डेबिट में। सो लॉस ऑफ गुड्स, तो ये 8,000 के दो इफेक्ट और ये 6,000 के दो इफेक्ट, ये दोनों के दो दो इफेक्ट समझे। अब बचपन से बच्चे लर्न करते आ रहे हैं, सर पी एंड एल के डेबिट में एक काम करो ना, सर डेबिट में आप लिख रहे हो यहां पे कितना 6,8,000, क्रेडिट में 6, उससे अच्छा एक काम करो ना, ये दोनों को एक दूसरे को कैंसिल करके नेट लॉस लिख दो 2,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बट बच्चे इसका तीन इफेक्ट लर्न करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो तीन इफेक्ट होंगे, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में लॉस हो गया उसका, एक पी एंड एल के डेबिट में, और एक बैलेंस शीट के असेट्स में, तीन नहीं है बेटा इफेक्ट, दो दो ही जाते हैं।
वो आपने क्या कर लिया, 8 और 6 को नेट करके दिखा दिया। अब 8 और 6 को नेट करके दिखाओ या 2 1 8 के और 2 6 के दिखाओ, कोई क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया क्या? पक्की बात। चलो आगे, वर्किंग नोट में दिखाए तो भी चलेगा, या फिर आप इसके अंदर में पीएनएल में दिखाओ ना डायरेक्टली। मैंने भी तो पीएनएल ही बनाया, पीएनएल ट्रेडिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे ना। हाँ वर्किंग नोट, पीएनएल में अगर डायरेक्ट 2000 लिखा तो वर्किंग नोट बना के दिखाना पड़ेगा कि भैया लॉस ऑफ गुड्स 8000 माइनस इंश्योरेंस कंपनी ने बोला 6000 वापस दे दूंगी, तो नेट लॉस 2000, देयरफॉर पीएनएल में। बट फिर वो क्या है, तकलीफ होती बच्चों को, बच्चों को आदत है ना डबल एंट्री सिस्टम, हर चीज की 2 इफेक्ट। तो मैंने 8 के 2 इफेक्ट बताए, 6 के 2 इफेक्ट बताए, सिंपल चीजों को सिंपल रखते हम लोग। नेट दिखाना है दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेट दिखा देंगे जैसा आप बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे, पक्का? चल, ये गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सो ये कहां गया रे, परचेस पे एक और एडजस्टमेंट ले लिया, ठीक है। और कुछ है, फर्नीचर पे हमने क्लिक कर दिया है, फर्नीचर 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 पे भी हो गया, सारी एडजस्टमेंट मैंने टिक मार्क लगा दी। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो, हेलो, हाँ एनीबडी, पक्की बात? चलो गुरु हो जाओ शुरू, फटाफट से सॉल्व कर दे बेटा अभी। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये देखना जरा, देख तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। लिखो, क्या नाम था बेटा इनका पार्टनर्स का? पीयूष और हाँ लिखो, इन द बुक्स ऑफ टेक्स्ट बुक का पेज नंबर बता रहे बेटा एक बार, टेक्स्ट बुक, बेटा तेरे इसमें भी 32 है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 32, राइट, इन द बुक्स ऑफ पीयूष एंड अरुण, ऐसा लिखना है पेपर में, पीयूष एंड अरुण। आप पूरा लिखोगे, आप पीए नहीं लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आपने नीचे लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, मैं लिखने का समय दे रहा हूं, प्लीज लिखो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। एक एक पेज के बनाओ मस्त स्पेशियस, आधे आधे पेज के मत करो, पूरा एक पेज का होने दो ट्रेडिंग अकाउंट, एक दिखने में अच्छा दिखेगा, जगह खाली है ठीक है, इट्स ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, और आपकी बैलेंस शीट बोलो क्या लिखेंगे, एज ऑन 31 मार्च 19। लाइबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट, चल भैया लिख फटाफट से, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखो बेटा, लिखना है सभी ने, सब लोग साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 32, राइट, चले हर एक चीज हमने एकदम जीरो से देखी बेटा। चलो आगे, ओके, चल अब कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप हमारी हो गई, फॉर्मेट ड्रॉ करना है ना, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का। सेकेंड स्टेप भी हमने कर लिया, जो जो आइटम्स पे एडजस्टमेंट थे उनको हमने क्या कर दिया, स्टार मार्क टिक कर दिया, राइट। चलो बेटा आगे, थर्ड स्टेप, ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले बैलेंसेस से स्टार्ट कर दूं, ओके, बता रहे बेटा सबसे पहला वाला बैलेंस कौन सा है, हाँ ओपनिंग स्टॉक कितना है देखो तो जरा, 30,800 लिख दो फटाफट से, ओपनिंग स्टॉक 30,800 टू ओपनिंग स्टॉक, आप पूरा लिखोगे 30,800, डन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा फटाफट से, परचेसेस, परचेस पे एडजस्टमेंट है क्या, तो लिखो फिर इनर कॉलम में अमाउंट बता बेटा परचेस का,
80। ओके लिख दिया। नेक्स्ट आइटम बोल बेटा, परचेस पे एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम में लिखा। हाँ, परचेस के बाद सैलरी, सैलरी कहाँ लिखो? ऑफिशियल एक्सपेंस है, पीएनएल में लिख दो क्या? सो टू सैलरीज, टू सैलरीज, सैलरी पे एडजस्टमेंट है? हाँ नहीं है? कितना अमाउंट है सैलरी का? 5,000। वेरी गुड, बहुत फॉर्म में आज के। हाँ नेक्स्ट आइटम बेटा, वेजेस एडजस्टमेंट है इस पे? परचेज में दो एडजस्टमेंट थी इसलिए मैंने ज्यादा जगह छोड़ी बेटा नीचे, ठीक है? वेजेस के बाद परचेज में गुड्स डिस्ट्रॉयड है ना, है ना, वही की है क्या? ठीक है, इट्स ओके, तो भी ज्यादा छोड़ दो। वेजेस कितना है? 7,500। वेजेस के बाद अगला आइटम बेटा, कैरेज। वेरी गुड। हाँ ये सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, कैरेज है। कैरेज कितना है बेटा? 7,500 वेजेस है, और ये कैरेज कितना है? 3,000। कैरेज के बारे में बोला नहीं, अब ये इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? इनवर्ड समझना, लिख लो। कैरेज के बारे में अगर कुछ बोला नहीं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, तो हम लोग समझेंगे कैरेज इनवर्ड है, माल लाने का खर्चा है, राइट? लिख लिया बेटा ये सभी ने सेंटेंस ऊपर नोटबुक में किनारे पे। सो कैरेज कितना है बता दो। ओके लिख दिया मैंने, कैरेज भी लिख दिया 3,000। Then, उसके बाद कैरेज के बाद है रॉयल्टी 2,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पे। रॉयल्टी फ्रेट, टू रॉयल्टी अकाउंट, टू फ्रेट अकाउंट, अमाउंट बता दो बेटा इसका कितना है, जहां भी डाउट आए वहां पूछना है। रॉयल्टी का टू रॉयल्टी अकाउंट, टू फ्रेट अकाउंट, टू वेजेस अकाउंट, रॉयल्टी का 2,500, रेट का 700। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये कहाँ जाएगा? ऑफिशियल एडमिन एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, पी एंड एल में जाएगा 1,050। तो लिख देता हूँ टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,050। कहीं किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछना है, आपके हर सवालों का जवाब आपको मिलेगा बेटा, यस और नो, सिर्फ पूछने की देरी है। वैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, बट जहां भी डाउट है वहां पे पूछना है, सर ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरे साथ साथ प्लीज प्रैक्टिस करो। यहाँ पे जो बच्चे फेस टू फेस बैठे हैं वो बहुत मेहनती है, और वो मेरे पहले ही सम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, आपने भी सेम ऐसे ही करना है ना, इतना एक मोरल चेक आपने अपने ऊपर रखना है बेटा, ठीक है? आ जाओ। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स है 43,000, इस पे एडजस्टमेंट है। चलो डेटर्स कहाँ आएंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख देता हूँ, डेटर्स 43,000, ठीक है? चलो आगे। उसके बाद बेटा अगला आइटम क्या है रे बाबा? फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है 20,200। बर्तन वाली भाई बर्तन धो के चली गई है, सारे बर्तन बस मैं जगह पे रख रहा हूँ। इनकम इनकम की जगह, एक्सपेंस एक्सपेंस की जगह, असेट असेट की जगह, लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज की जगह, राइट? चलो आगे। फर्नीचर के बाद बेटा अगला आइटम क्या है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी, देन इन्वेस्टमेंट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट 2,515, देन लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है? ये मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए। चलो आगे, पक्का डन। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,450, कौन से ट्रैवलिंग एक्सपेंस है? अब ये तो अपने जनरल एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बरोबर है क्या? अगर ऐसा बोला रहता ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू परचेस गुड्स तो मैं ट्रेडिंग के डेबिट में लिखता, कुछ बोला नहीं है ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बारे में, तो आ जाएगा पी एंड एल के डेबिट में। चलो लिखो, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है बेटा? 3,450। हाँ उसके बाद अगला आइटम ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद एडवर्टीजमेंट, ओ हो, हिडन एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर 3 ईयर्स, मतलब ये 3,000 3 साल का है, हमें तो सिर्फ करंट ईयर 1 साल का चाहिए। 30,000, 3,000 नहीं, 30,000 3 साल के लिए है, तो 1 साल का 10,000, बरोबर है क्या? तो उसमें से 20 निकालना है। अब देखो जरा ध्यान देना बेटा, एडवर्टीजमेंट में कैसे कर रहा हूं, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इधर लिख दिया मैंने 30,000 माइनस प्रीपेड, प्रीपेड 2 साल का है ना, उसमें 20,000, वो माइनस करके आउटर कॉलम में आएगा 10,000,
और प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कहाँ पे आ जाएगा, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 20,000। ये समझ में आए सभी को, सिंपल है। असेट साइड में ऊपर जनरली फिक्स असेट आती है क्योंकि हम लोग परमानेंस अप्रोच फॉलो करते हैं। लिक्विडिटी अप्रोच अगर हमने फॉलो किया रहता तो असेट साइड में पहले शॉर्ट टर्म असेट आती, लेकिन हम लोग परमानेंस अप्रोच फॉलो करते हैं इसीलिए पहले फिक्स असेट और नीचे में करंट असेट, राइट। बरोबर बेटा, क्लियर हुआ जो बच्चे ने डाउट पूछा अभी? उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। बैड डेट है 500, ये पुराने वाले बैड डेट है। बैड डेट भी है इसमें, आरडीडी भी है। नया बैड डेट है क्या कुछ? नो, पुराने वाले बैड डेट है 500। बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट टू बैड डेट, पुराने वाले। आरडीडी है एडजस्टमेंट, इसीलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा आरडीडी है ना, यस और नो। बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, बराबर है। पुराने वाले बैड डेट है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, इनर कॉलम में लिख दिया, इस पे एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है आरडीडी वाली। आरडीडी के दो इफेक्ट, एक बैड डेट में जाएगा पीएनएल के डेबिट में और दूसरा डेटर से कम होगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, राइट। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, बोलो पीएनएल के डेबिट में बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी और टू डिस्काउंट अलाउड। बोलो डिस्काउंट अलाउड कितना है? 1800। नेक्स्ट है बेटा, डिस्काउंट अलाउड के बाद हाँ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट 7, 20 और 15 दे रहे बेटा। फिक्स डिपॉजिट 15,000, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश और बैंक 7 और ये 20। किसी को कोई तकलीफ है बेटा इसमें? चलो आगे। उसके बाद हाँ चलो, ये तो हो गया पूरा खत्म, फिक्स डिपॉजिट भी लिख दिया। अब है आपका कैपिटल अकाउंट 8080 पीयूष और अरुण का। उसके बाद क्रेडिटर से 20,500 लिखो। कैपिटल अकाउंट पीयूष का 80, अरुण का 80 और क्रेडिटर्स कितने बेटा? 20,500। किसी को कोई तकलीफ है इसमें? सिंपल है बेटा। चलो आगे, पक्का? ओके आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,000। ग्रेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,000 एडजस्टमेंट है इस पे। इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,000 एडजस्टमेंट है। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड या बाय इंटरेस्ट भी लिख दिया तो भी चलेगा। बैंक ओडी 10,000 और सेल 1,20। बैंक ओडी, बैंक ओडी, बैंक ओडी 10,000 और सेल्स कितना बेटा? 1,20,000। कहीं सेल्स रिटर्न है क्या? कोई अनरिकॉर्डेड सेल्स? सेल्स पे कोई एडजस्टमेंट है? नो, दैट्स इट, डन। चलो आगे, पक्का? सारी चीजें हो गई है, कुछ बचा है हमारा? नो, अब बस एडजस्टमेंट करना है फटाफट से। आ जाओ, वन बाय वन एक एक एडजस्टमेंट बता देता हूं। सो स्टॉक इन हैंड 40,000 और 35,000, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दिया है। कॉस्ट 40, मार्केट प्राइस 35,000। चलो कौन सा लेना है? विच एवर इज लोअर, 35 ले लो। सो क्लोजिंग स्टॉक 35,000 लोअर, क्यों? बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। और दूसरा इफेक्ट, स्टॉक कहां जाएगा?
अच्छा, एक स्टॉक के बारे में खास बात बताओ क्या, अंदर की बात? क्लोजिंग स्टॉक इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, दैट मीन्स इसके बोथ इफेक्ट्स आर पेंडिंग। कुछ याद आया क्या? अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है, मतलब इसका अकाउंटिंग बाकी है, तभी तो एडजस्टमेंट में है ना। और क्लोजिंग स्टॉक जैसे ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, वैसे क्लोजिंग स्टॉक भी अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस मीन्स इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड आउट ऑफ परचेस। क्यों? रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब वो ऑलरेडी परचेस से एडजस्ट हो गया। तो अब बताओ, ट्रायल बैलेंस में दिया है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब अकाउंटिंग हो गई, उसका बस एक जगह डिस्क्लोजर देना है। कहाँ आएगा? ओनली बैलेंस शीट का असेट साइड। अगर क्लोजिंग स्टॉक बरोबर है, अगर क्लोजिंग स्टॉक, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, एडजस्टमेंट में दिया रहता, अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है, मतलब उसकी अकाउंटिंग पूरी पेंडिंग है, मतलब उसका परचेस से भी इफेक्ट माइनस करना बाकी है और असेट में ऐड करना भी बाकी है। परचेस से माइनस करना है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्या बोलते हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, यस और नो? अगले लेक्चर से हमारे ऐप के लेक्चर होंगे बेटा। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हमारे सारे 12th के लेक्चर अपने ऐप पे होने वाले हैं, बरोबर है? डेमो लेक्चर्स अपने खत्म हो जाएंगे। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ योर डेमो लेक्चर, फिर हम लोग हमारे ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे बेटा आ जाओ। सो ये क्लोजिंग स्टॉक का लिख लिया सभी ने? तैयारी चीज है, लिख लो बेटा फटाफट से, लिखो फटाफट से। डन। क्यों क्यों? ओके, लिखा बेटा? ध्यान रहेगा अभी? ऑल सेट? अच्छा बताओ, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है, यहां पे क्या आज तक जितने भी क्वेश्चन देखे सब में एडजस्टमेंट में दिया था, इसलिए हम दो इफेक्ट देते थे। लेकिन हो सकता है बोर्ड ने सोचा थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देना है, तो हो सकता है आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हो, ओपनिंग स्टॉक की तरह क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में दे देते कभी कभी, तो वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गलत हो गया तो आपका पूरा भसक जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी, और ट्रेडिंग गया तो पीएनएल भी गया, और पीएनएल गया तो बैलेंस शीट भी गई। ठीक है, लॉजिक समझ में आया उसका? सिंपल है ना भैया, ट्रायल बैलेंस में मतलब अकाउंटिंग हो गई है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में मतलब अकाउंटिंग हो गई। अकाउंटिंग हो गई मतलब कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, सर ऐसा भी तो हो सकता है बैलेंस शीट में हो गया ट्रेडिंग में बाकी है। बेटा बैलेंस शीट कोई अकाउंट है क्या? अकाउंटिंग होगी मतलब बैलेंस शीट में हुआ रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस से एडजस्ट हो गया रहेगा, राइट? चलो आगे। मेरे साथ साथ प्लीज सॉल्व करना सारी चीजें, अपने आप से धोखा मत करना, सारी चीजें मेरे साथ साथ सॉल्व करना। जिस दिन आपका मैं बोलूंगा बैच खत्म, उस दिन आपने बोलना सर हमारी पढ़ाई खत्म, अभी के अभी पेपर ले लो, है ना? उस हिसाब से रखना बेटा, ठीक है? और हर बार टेस्ट होने के बाद अगर कोई बच्चों के तारे आसमान में है तो जमीन पे आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग टफ से टफ क्वेश्चन ही टेस्ट में लेते हैं, ताकि एग्जाम का जब पेपर आप दो तो वो एग्जाम का पेपर अपने टेस्ट से भी बहुत ईजी लगना चाहिए, इसीलिए ये लॉजिक है। नहीं तो क्या है, मुझे टेस्ट ईजी देने में भी कोई हरकत नहीं थी, मैं चाहता तो ईजी टेस्ट भी दे देता और आपको आज मस्त फील होता, सीए फाउंडेशन का टेस्ट दिया ना कि वाह सर मजा आ गया, बट वो आपके साथ धोखा करने वाली बात हो जाती।
डोंट वरी ओटे, इसका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे, हर एक चीज आपको पता है, सिर्फ आपको ये बात नहीं पता है कि आपको पता है, वो मैं डिस्कशन करूंगा तब आप बोलेंगे अरे यार कितना इजी टेस्ट था, समझ में आया क्या? वरना आप क्या करते मालूम है क्या, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर आंसर फर्स्ट टाइम कहां लिखते, डायरेक्टली एग्जाम में। आज जो आपने फील किया अरे यार अब तो सब गया, वो कब फील होता, एग्जाम में। तो बस वो एग्जाम में होना नहीं चाहिए, एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हरीश सर ने जो टेस्ट लिया उससे आधे से भी कम लेवल का पेपर है, तो आप वो कॉन्फिडेंस से जाओगे, और जब बाहर निकल के आप बोलोगे इससे टफ तो हमारी टेस्ट होती थी, तो वो मेरे को चाहिए, है ना? तो डोंट वरी, बस टेस्ट अपनी टफ रहेगी, वही हिसाब से आपने देखना है। और जो भी पास्ट एग्जाम में जो टफ टफ क्वेश्चन आते हैं वो अपन प्रायोरिटी बेसिस पे रखते हैं कि जहां पे बच्चों को तकलीफ आती। अब कुछ कुछ क्वेश्चन आप आज आपको इजी लगे होंगे या रिपीट हुए होंगे, तो उससे टफ क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं, इसलिए यस और नो, तो हम लोग कवर अप सब करेंगे। सो इन शॉर्ट आपकी टेस्ट आपने हर बार संभाल के रखना है। जो आप बुक सेपरेट बुक बनाए ना, जो टेस्ट नंबर वन आपने हेडिंग दिया वहां पे स्टेपल करके रख लेना, पहला टेस्ट होल्ड करके, मतलब टेस्ट और उसके आंसर्स आपके लिखे हुए, राइट? और टेस्ट का जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप मार्किंग कैसी होती है, अकाउंट सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग है, राइट? चाहे ट्वेल्थ हो चाहे CA फाउंडेशन हो, राइट? दोनों भी केस में स्टेप मार्किंग रहेगी, राइटिंग है पूरा आपका, देन आ जाओ। उसके बाद क्या बेटा, अगला एडजस्टमेंट देखो, तो क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल, फटाफट से बता दो। बोलो बेटा मुन्ना, ना एक बच्चे ने बोला सर सेकंड वाला फिर से बताओ, सेकंड वाला कौन सा रे बेटा, सेकंड वाला कौन सा? ये क्या एडजस्टमेंट में दिया है तो दो इफेक्ट। अच्छा, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब क्या हुआ है कि वो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी, हमने देखा था ना एक एग्जांपल, परचेस 10 क्वांटिटी किया, सेल 7 क्वांटिटी किया, इनकम जब 7 क्वांटिटी का है तो खर्चा भी 7 का होना चाहिए, बट खर्चा तो 10 का दिख रहा है, तो 3 क्वांटिटी का खर्चा माइनस करो, 3 आप यहां लिखते थे, और इसी को आप लोग क्या बोलते हो, क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट एन एडजस्टमेंट आउट ऑफ परचेस। सो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब ऑलरेडी वो परचेस से माइनस हो गया है, मतलब जो परचेस दिख रहा है वो नेट परचेस है, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक अगर, ये कब की सिचुएशन है, क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो तब की सिचुएशन है। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये कब की सिचुएशन है, ये पहला इफेक्ट और ये दूसरा बैलेंस शीट में। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब ऑलरेडी परचेस से एडजस्ट हो गया, यानी आपका परचेस कितना दिख रहा है, परचेस आपका 7 ही दिख रहा है। ये 7 कैसे आया, 10 माइनस 3, ये 3 क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो बताओ फिर से क्लोजिंग स्टॉक यहां पे लिखू क्या 3, यस और नो? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट वे सिर्फ कहां दिखाते, बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कब की बात है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो, राइट? ये बात समझ में आई, जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे बेटा अपना, ये आज डेमो लेक्चर लास्ट है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा ऐप पे रहेगा, अपने ओनली लेक्चर्स के ऐप पे, है ना? ONLYLECTURES, जस्ट गो टू द प्ले स्टोर, फाइंड ओनली लेक्चर्स, LECTURES आखिरी में ऐसे, ओनली लेक्चर्स, और डू मैसेज, है ना, आई विल सेंड यू द लिंक, वहां से डाउनलोड कर लेना, उसी के अंदर में आपको सारे लेक्चर्स दिखेंगे विद जीरो लैग, एंड यू कैन टॉक टू मी लाइक इन द फिजिकल क्लासेस, है ना, लाइक रियल क्लास, आप उसे बात कर पाओगे चलते लेक्चर में जीरो लैग के साथ। आ जाओ प्लीज, ध्यान देना बेटा। हाँ बोल बेटा, कौन सा? ओके, कहाँ पे, कहाँ पे, एक सेकेंड, एक बच्चे का डाउट है बेटा, सब लोग ध्यान देना। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, हाँ हाँ बोलो बोलो। ओके, नहीं नहीं, फिक्स डिपॉजिट असेट में डाला, बट उसका इंटरेस्ट तो इनकम है ना मेरी, हाँ हो गया ना। एक बच्चे का बड़ा प्यारा सवाल है, सब लोग ध्यान देना, लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दो बेटा। बच्चे ने यहाँ पे सवाल पूछा, सर फिक्स डिपॉजिट हम लोग असेट दिखाते हैं और ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट 1000 रुपए, इसको भी हमने असेट में क्यों नहीं दिखाया? बरोबर है, यही सवाल है ना, 1000 रुपए को। मुझे एक बात बता, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब इसका भूतकाल में एंट्री हो गया रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1000,
बरोबर है क्या? अब ये कैशबैक ऑलरेडी ये कैशबैक के अंदर में आ गया है क्या? ये 1,000 ऑलरेडी इसमें आ गए, वो 1,000 ऑलरेडी आ गए इसमें, और दूसरा ये 1,000 वहां चले गए, और ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? ये इनकम है, बरोबर है ना? सो इंटरेस्ट ये इनकम है। यहां पे जो इंटरेस्ट दिख रहा है ना आपको 1,000 इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, वो कैश बोल के नहीं दिख रहा है, वो इनकम बोल के दिख रहा है। हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू है। 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिला तो उसी 1,000 को एक बार आप कैश बोल के डेबिट करोगे, और उसी 1,000 को एक बार आप इनकम बोल के क्रेडिट करोगे। तो जो तू बोल रही है ना बैलेंस शीट में क्यों नहीं गया, वो गया, वो आ गया इसमें, वो 20 में है ना। रिसीव्ड है मतलब कहाँ मिला होगा, कैश बैंक में आया होगा, तो वो है उसमें। और दूसरा इफेक्ट डबल एंट्री सिस्टम है ना, इनकम, ये इनकम का क्रेडिट बैलेंस, तो इनकम कहाँ जाएगी? पीएनएल के क्रेडिट में इंटरेस्ट वाली। और कैश बैंक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट में। तो जो तेरी इच्छा थी कि सर बैलेंस शीट के असेट में जाना चाहिए, वहां भी चला गया, और अब ये इनकम कहाँ जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट में। यस और नो? क्लियर है पक्की बात? सो पीएनएल के क्रेडिट में दिखा दिया। अब यहां पे हमारा एडजस्टमेंट था इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट स्टिल रिसीवेबल। अब ये जो है अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। एडजस्टमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन का अकाउंटिंग बाकी है। इंटरेस्ट 1,200 मिलना बाकी है। क्या एंट्री होती थी इसकी बेटा? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगर एंट्री करते थे तो ऐसी एंट्री होती थी, लेकिन अब तो ट्रायल बैलेंस बन चुका है, अब टाइम मशीन में बैठ के पीछे थोड़ी जा सकते जर्नल एंट्री करने। यस और नो? तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा इसका? अब हम लोग यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, इंटरेस्ट रिसीवेबल ये जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, और ये टू इंटरेस्ट ये जाएगा पीएनएल के क्रेडिट साइड में। तो ये दो इफेक्ट जाएंगे। यस और नो? तो इंटरेस्ट रिसीवेबल बैलेंस शीट के असेट साइड में, और ये इंटरेस्ट जो है वो पीएनएल के क्रेडिट में, इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे। क्लियर? चलो, सो 1,200 रुपए का इंटरेस्ट था, प्लीज ध्यान देना। इंटरेस्ट रिसीवेबल यहां लिख देता हूं, इंटरेस्ट रिसीवेबल 1,100 नहीं 1,200, 1,200, और इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट आना बाकी, या इंटरेस्ट रिसीवेबल भी लिखा तो भी चलेगा, या इंटरेस्ट रिसीवेबल भी लिखा तो भी चलेगा। बोल मन? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्ची ने बोला सर वो इंटरेस्ट जो है वो फिक्स डिपॉजिट का है ना, तो ये फिक्स डिपॉजिट के अंदर में अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड कर दूँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आपकी इच्छा। यहाँ पे ये लो, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग, कितना है बेटा यहाँ पे? 1,200। आपको फिर यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, कैसा भी करो, डन। चलो आगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। क्लियर? ये कोई कंपनी थोड़ी है जो इसके लिए कंपनीज एक्ट में स्केड्यूल्स दिए होंगे। यस और नो? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है उसका फ्रेमवर्क आपको कंपनी एक्ट में दिया हुआ है। कंपनी एक्ट में किधर दिया हुआ है? स्केड्यूल्स में दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट में स्केड्यूल्स है, तो उसमें स्केड्यूल नंबर 3 में सारा फॉर्मेट दिया है कंपनी का, तो आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। वहां पे आप आपके मन से नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म की बात चल रही है, इसके लिए इतनी स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर्स नहीं है, तो आप नीचे अलग से दिखाओ या एफडी में ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक आपका फाइनल इफेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए, बस वो ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है बेटा बताओ तो? बोलो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड आरडीडी 2.5% ऑन डेटर। रुको, चेक करो। हाँ, कहीं पे डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट है क्या? हाँ बेटा, अदिति ले रहा हो भी, कहीं डेटर्स में कोई इम्पैक्ट है क्या? कोई आगे है ऐसा अनरिकॉर्डेड डेटर्स वगैरह? नो, छोड़ दो। चलो आ जाओ। सो आरडीडी क्रिएट कर देता हूँ डेट स्ट्रेट वे। न्यू बैड डेट दिया है? न्यू बैड डेट अगर दिया रहता तो पहले वो माइनस करता है ना, और वो यहाँ पे लिखता, बट न्यू बैड डेट है नहीं, लिखने की जरूरत नहीं आपको फाइनल एग्जाम में। माइनस आरडीडी कितना है? 2.5%। यस और नो? निकालो इसका 2.5%। न्यू बैड डेट तो है नहीं, न्यू आरडीडी कितना आया? 2,100। चेक करो, 43,000 का 2.5%, 1,07।
लिखो 1075, बराबर है क्या? 43,000 में से 1075 माइनस करो, 43 में से एक गया 42,000, 43 में से एक गया 42,000। हाँ बोलो बेटा, और 75 और चले गए, 41925। अब ये आरडीडी का दूसरा इफेक्ट 1075 का, ओल्ड आरडीडी कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, चेक करो, नहीं दिया है, जीरो आउटर कॉलम में 1575। ये बात समझ आई सभी को? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो, सिंपल है ना। आरडीडी डेटर्स पे निकाल दिया और एक पीएनएल में दिखा दिया, सेम ऑलरेडी हमने 3-4 बार सेम चीज की है। चलो आगे, उसके बाद और अगला एडजस्टमेंट क्या बेटा पढ़ो तो, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%। हाँ फर्नीचर के ऊपर 5% का डिप्रिसिएशन निकाल रहे बेटा, कितना आ रहा है? 20,000 का 5%, 1,000, 200 का 5% कितना हुआ? 10 रुपए, यस और नो, है ना? तो कितना हुआ? 1,010। कितना आया आउटर कॉलम में? टू डेप्रिसिएशन 1010 और 19, ठीक है। चल उसके बाद अगला एडजस्टमेंट क्या है बताओ, गुड्स डिस्ट्रॉयड 8,000 बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000। गुड्स डिस्ट्रॉयड, देखो मैं अलग कलर के पेन से लिख रहा हूं अभी इसको, प्लीज ध्यान देना, माल जल गया 8,000 का, तो देखो यहां पे लिख दो क्या, बाय गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर, पुष्पा फायर में, यस और नो? और इसका दूसरा इफेक्ट ऑपरेटिंग लॉस है, टू लॉस ऑफ गुड्स, 8,000 के दो इफेक्ट हो गए, प्लीज ध्यान देना, काम की चीज है बेटा। और इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एडमिट किया, आगे एडजस्टमेंट में लिखा है 6,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया मतलब हमारा लॉस कम हो गया क्या? सो बाय इंश्योरेंस क्लेम 6,000 के दो इफेक्ट, दूसरा क्लेम एडमिट कर दिया मतलब क्या रे बेटा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6,000 रुपये। आ जाओ, हो गए क्या 6,000 के दो इफेक्ट और 8,000 के दो इफेक्ट, क्लियर? अब काफी सारी किताबों में क्या दिया रहता मालूम है, ये जो है ना ये 8,000 डेबिट में और 6,000 क्रेडिट में, ये माल जल गया 8 का, इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए 6, काफी किताबों में ये दोनों को सेट ऑफ करके क्या दिखाते हैं मालूम है, लॉस ड्यू टू फायर, गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, कितना दिखाते हैं 2,000। और बच्चों को लगता 3 इफेक्ट होते हैं, ये 8, ये 2 और ये इधर में कितना है बेटा, ये 6, 3 इफेक्ट नहीं है टोटल, है दो दो इफेक्ट ही, 8 के 2 6 के 2, बस वो 8 और 6 को क्या कर दिया इन्होंने। तो आप भी ऐसा 8,000 और 6,000 का लिखना और फिर क्रॉस करके लिखना, मतलब भविष्य में कभी आपको तकलीफ आई तो आपको याद रहेगा कि 8 और 6 की जगह, एग्जाम में ऐसा क्रॉस मत करना, एग्जाम में डायरेक्ट 2,000 लिख दिए तो भी चलेगा, क्लियर? डन, हो गई सारी एडजस्टमेंट, करो टोटल, चलिए चलो बता बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, अदिति ध्यान दे बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया बताओ, हाँ 38,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये टोटल लिखना है बेटा यहां पे, हाँ वन डॉट और इधर में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालो 14,800, 14,815 किस किस को जाएगा, तू पीयूष और अरुण ना, रेशो क्या है प्रॉफिट शेयरिंग बताओ, कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में तो इक्वल रहेगा, बांट दो दो इससे बताओ कितना आ जाएगा, 7407 और 7408 कर देते हैं, ठीक है, और दे दो 7407 प्रॉफिट, और इसको दे दो नेट प्रॉफिट इसका 7408,
दैट्स इट, गेम ओवर। इंश्योरेंस रिसीव्ड बाय कंपनी होता तो, प्रतीक ने एक सवाल पूछा सर इंश्योरेंस रिसीव्ड बाय कंपनी होता तो कैश में लेते, इंश्योरेंस रिसीवेबल है इसलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में लिया रिसीवेबल बोल के, रिसीव्ड रहता तो कैश बढ़ जाती, अल्टीमेटली जाता तो असेट में ही। सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, आना बाकी था तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल टू इंश्योरेंस क्लेम, आगे रहता तो कैश टू इंश्योरेंस क्लेम। डन, चलो बैलेंस शीट का टोटल कर लो बेटा 80,000, ये 87,407, यहाँ पे 87,407। मुन्ना बता रहे बेटा बैलेंस शीट का टोटल 205,315, 205,315, दैट्स इट, गेम ओवर, डन। 205,415, 205,315 इसी का टोटल है पक्का, करो एक बार मैं चेक करता हूं, रुको मैं लाइबिलिटी साइड का टोटल चेक कर रहा हूं। हाँ 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 ठीक है, लाइबिलिटी साइड का टोटल चेक कर बेटा, 80 और 80 160 और ये 14 174 174 और 20 194 और ये 10, ये कितना आ गया 204, उसके बाद बचा गया 500 और 400 400 800 1300 14, यानी 2,05,000 या 8 और 7 15 है ना, ठीक है ये 1315 आ जाएगा, तो बराबर है 2,05,315 आ रहा है बेटा। रोहित एक सेकंड ना बच्चों, रोहित चलो ओके, लिख लिया बेटा सभी ने टोटल, इतनी आ रही बेटा चेक कर एक बार, 40 नहीं आएगी, 205,315। डन, अब हम लोग एक 5 मिनट का ब्रेक लेकर के, अच्छा एक बच्ची ने 600 की जगह 6,000 ले लिया था, एक 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद तुरंत हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं OCM। डन चलो ओके यार, ए बाबा जो भी बच्चे यहाँ पे है, मैं ऑनलाइन अपने ऐप पे स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम मंडे, आज की है आज शनिवार है, सोमवार को ऐप पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल आप जब तक आप लोगों का कॉलेज चालू नहीं होता ना, तो हम लोग आपके हिसाब से जो अपने पास लिमिटेड बच्चे है उनके हिसाब से टाइमिंग रख लेंगे, जैसे आज भी मैंने देखा तुमको 5-6 घंटा बैठना पड़ता है ना यहाँ पे, तो अपन टाइमिंग क्या करेंगे थोड़ा, जब तक तुम्हारा कॉलेज चालू नहीं होता है, राइट। जब तक आप लोगों का कॉलेज कब से चालू होगा, 12th का 13 जून से, तो अपने पास भरपूर समय है तब तक, तो हम लोग महीना भर तक के हम लोग फिर अपने काम करेंगे ना, आपको सीए फाउंडेशन और 12th का एक साथ ही कर लेंगे, बाकी बच्चों से भी बात कर लूंगा। अब अपन अपने ऐप पे चालू करें तो अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो तुमको होल डे गर्मी में यहाँ पे तपने की जरूरत नहीं है, तो मैं देखता हूँ, मतलब 5 घंटे तुमको खाली बैठना पड़ता है, 4.5 घंटे, तो हम लोग क्या करेंगे 12th का और सीए फाउंड, जब तक आपका 12th का कॉलेज चालू नहीं होता, वंस योर 12th कॉलेजेस विल स्टार्ट, फिर वेदर यू गो टू द कॉलेज और नॉट गो टू द कॉलेज, अपना टाइमिंग रहेगा इवनिंग का, ठीक है। तो अभी आपके कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक साथ एट अ स्ट्रेच में 12th और फाउंडेशन का बीच में ब्रेक दे के ले लेंगे बेटा, डन। तो आप लोगों को क्या है कि ये दिक्कत ना आ रही, तो क्या है पूरा सुबह लेक्चर होने के बाद डायरेक्ट अगला लेक्चर शाम में उजाले से अंधेरे में, तो तकलीफ आ जाती है। एंड अपना मंडे से अपने ऐप पे रहेगा, ऐप पे 0 लैग, एंड यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जो बच्चे टाइप करते हैं यहाँ पे डाउट के लिए, तो टाइप करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो हरी अप गाइस, फटाफट से सिक्योर योर सीट, डन, थैंक यू।